हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज 40 एपिसोड के इस रिव्यू सीरीज के 8th एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को कब इस्टेब्लिश किया गया था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस क्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट से क्या फीस चार्ज करता है, इनके यहाँ प्रोफेसर की क्वालिटी कैसी है, इनका हॉस्टल और मेस का फैसिलिटी कैसा है, और इन सबसे इंपॉर्टेंट कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट कैसा है, क्या ये जो प्लेसमेंट स्टैट्स क्लेम कर रहे हैं वो सारे प्लेसमेंट स्टैट्स इनके सही हैं, या फिर और यूनिवर्सिटी के द्वारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी अपने प्लेसमेंट स्टैट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। इस वीडियो के अंत में मैं इन सारे पैरामीटर के बेसिस पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को आउट ऑफ 10 रेट भी करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशंस के बटन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई भी यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आज इस एपिसोड में बात करते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन की। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब के मोहाली में सिचुएटेड है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस साइज अप्रॉक्सीमेटली 250 एकर्स का है। 2022 की NIRF रैंकिंग के इंजीनियरिंग प्रोग्राम की कैटेगरी में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को 45th रैंक और ओवरऑल यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में 29th रैंक मिला हुआ है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को NAAC से A+ ग्रेड भी मिला हुआ है और यह UGC और AICTE दोनों से ही अप्रूव्ड है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, डिजाइन सहित कई सारे UG और PG प्रोग्राम्स ऑफर करता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूं तो कई सारे UG और PG प्रोग्राम्स ऑफर करता है, लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम से रिलेटेड बात करूंगा। यदि आपकी क्वेरी किसी भी अदर प्रोग्राम को लेकर है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप किसी भी मेथड से कनेक्ट करके मुझसे अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। यदि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और आपके टोटल मार्क्स और PCM ग्रुप में मार्क्स का एग्रीगेट मिनिमम 50% होना चाहिए। कुछ ऐसे ब्रांचेज हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच जैसे कि कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे ब्रांचेज के लिए ये जो PCM का क्राइटेरिया है वो मिनिमम 60% एग्रीगेट होना चाहिए। यदि एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आप CUET, AICEE और JEE मेंस जैसे एग्जामिनेशन में अपीयर होकर इंजीनियरिंग के डिफरेंट ब्रांचेज में एडमिशंस ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि अब आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए इतने सारे अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की और इतने सारे अलग अलग एग्जामिनेशन में अपीयर होने की और इनका काउंसलिंग प्रोसेस अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आपको मैं एक ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिस एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद आप इंडिया के 1200+ कॉलेजेस और 100+ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ले सकते हैं। इस एग्जामिनेशन का नाम है AICEE, यानी कि ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। AICEE एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसे दो मोड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला है होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड और दूसरा है सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड। होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड में आप अपने घर पे बैठ के लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट्स या फिर स्मार्टफोन की मदद से इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड में आप अपना एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करके इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। AICEE एग्जामिनेशन का काउंसलिंग प्रोसेस भी ऑनलाइन है। इसका मतलब है कि आपको एग्जामिनेशन से लेकर काउंसलिंग प्रोसेस तक को अटेंड करने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपके हजारों रुपए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के और बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस इन एग्जामिनेशन को डिफरेंट स्टेट्स में जाकर देने में और इनके काउंसलिंग प्रोसेस को अटेंड करने के बच जाएंगे। AICEE एग्जामिनेशन को इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, डिजाइन, फार्मा, एग्रीकल्चर, BBA, BCA सहित 20+ प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस एग्जामिनेशन के लिए आप www.aicee.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
तो यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग या फिर किसी भी अदर यूजी प्रोग्राम्स में एडमिशन की सोच रहे हैं तो आप किसी भी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कीजिए या फिर नहीं कीजिए, लेकिन इस AICEE एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि इस एक एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद आप इंडिया के 150 प्लस यूनिवर्सिटीज़ और 1200 प्लस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। AICEE और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दोनों के ही एप्लीकेशन लिंक को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इन एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि इंजीनियरिंग प्रोग्राम की फीस की बात करें तो यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के डिफरेंट ब्रांचेज के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 से लेकर 2,50,000 पर ईयर तक है। यदि मैं स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस ब्रांच की फीस की बात करूं एनुअली तो यह अप्रॉक्सीमेटली 2,50,000 पर ईयर तक है। यदि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फीस की मैं बात करूं तो यदि मैं लॉजिंग फीस की बात करूं तो यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा हॉस्टल फैसिलिटी अवेल करते हो। यदि मैं 5-सीटर नॉन एसी रूम की बात करूं तो यह अप्रॉक्सीमेटली 89,000 पर ईयर है। यदि मैं हाईएस्ट सिंगल ऑक्यूपेंसी एसी रूम की बात करूं तो यह अप्रॉक्सीमेटली 1,90,000 पर ईयर तक है। अब यदि मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मेस फीस की बात करूं एनुअली तो यह 32,400 रुपीज़ है। अब यदि मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप या फिर फीस कंसेशन की बात करूं तो यह CUET, AICEE एग्जामिनेशन और JEE मेंस जैसे एग्जामिनेशन में आपके रैंक पर डिपेंड करता है। इसके अलावे यह आपके 10th और 12th के परसेंटेज पर भी डिपेंड करता है। यह कंसेशन या फिर स्कॉलरशिप जनरली 10% से लेकर 100% तक का हो सकता है। इसके अलावे भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कई तरह की स्कॉलरशिप ऑफर करता है। यदि आपने कभी भी अपने आप को नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी स्पोर्ट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है तो भी आपको 10% से लेके 100% तक का फीस कंसेशन मिल सकता है। यदि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स की क्वालिटी की बात करूं तो यहां के ज़्यादातर प्रोफेसर्स एमटेक या फिर PhD होल्डर्स हैं जिनका एवरेज टीचिंग एक्सपीरियंस 5+ ईयर्स का है। यदि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स और फैकल्टी की रेशियो की बात करूं तो यह 15:1 का है। यदि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट की बात करें तो सबसे पहले चलते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने प्लेसमेंट स्टैट्स क्या क्लेम कर रहा है। बाद में मैं इन स्टैट्स को डिटेल में एनालिसिस करके आपको फैक्ट और रियल प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में बताऊंगा। अभी हम आ गए हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ हम देखते हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने प्लेसमेंट्स के बारे में क्या कह रहा है। तो थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहाँ आप देख पाएंगे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने यहाँ मेंशन कर रखा है कि इनका जो हाईएस्ट इंटरनेशनल का पैकेज था वो 1.7 करोड़ पर एनम का गया है, या फिर आप हाईएस्ट ऑफर्ड डोमेस्टिक CTC की बात करो तो यह 52.11 लाख पर एनम का रहा है। आप यहां देख पाओगे कि 900 प्लस कंपनीज थे जिन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स के लिए विजिट किया हुआ था और जो टोटल नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स ऑफर्ड था 2022 के बैच के स्टूडेंट्स के लिए वो 9500 प्लस का रहा है। अब चलते हैं प्लेसमेंट्स के मेन सेक्शन में। यहां इन्होंने 2014 से लेके 2022 के बैच का हाइएस्ट ऑफर्ड CTC मेंशन कर रखा है। तो यहां आप देख पाओगे कि इनके इनिशियल ईयर्स में यानी कि 2014 में जो हाईएस्ट ऑफर्ड CTC है वो 24 लाख पर एनम का है। 2015 में यह हाईएस्ट ऑफर्ड CTC 23.6 लाख पर एनम का है। यदि मैं लास्ट 3 ईयर्स यानी कि 2020 से लेकर 21 और 22 के हाईएस्ट CTC की बात करूं तो यह 2022 के बैच के लिए 1.7 करोड़ पर एनम का रहा है। यह डोमेस्टिक ऑफर्ड CTC नहीं है, यह हाईएस्ट इंटरनेशनल ऑफर्ड CTC है जिसमें कि बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं। यदि मैं 2021 की हाईएस्ट ऑफर्ड CTC की बात करूं तो यह 52.11 लाख पर एनम का रहा है जैसा कि इन्होंने मेंशन कर रखा है, और यदि मैं 2020 की हाईएस्ट ऑफर्ड CTC की बात करूं तो यह 36 लाख पर एनम का रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अब हम बात कर लेते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ईयर वाइज नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट्स की। तो 2014 में 2410 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे। यदि 2015 की मैं बात करूं तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट्स के नंबर्स 4690 थे। यदि मैं लास्ट 3 ईयर्स के प्लेस स्टूडेंट्स की बात करूं तो 2022 में 9500 प्लस स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे,
2021 में 7500 प्लस स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे और 2020 में 7412 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे। अब यदि मैं ईयर वाइज वैसे एमएनसीज कंपनी की बात करूं जिन्होंने 10 से लेकर 15 लाख का पैकेज ऑफर किया हुआ था, तो लास्ट थ्री ईयर्स में उनके नंबर्स 2021 में 70 थे, 2022 में 100 प्लस थे और 2023 में अभी तक एज ऑफ नाउ 28 सितंबर तक 60 प्लस ऐसे कंपनीज थे जिन्होंने 10 से लेकर 15 लाख के बीच का सीटीसी ऑफर किया हुआ था। अब यदि हम 2014 से लेकर 2023 तक वैसे कंपनीज की बात करें जिन्होंने 20 लाख या फिर उससे एवव का हाईएस्ट सीटीसी ऑफर किया हुआ था, तो लास्ट थ्री इयर्स में उनके नंबर 2021 में 30, 2022 में 30 प्लस और 2023 में 25 प्लस रहे हैं एज ऑफ नाउ। अब यदि हम 2014 से लेकर 2023 तक एज ऑफ नाउ वैसे कंपनीज की बात करें जिन्होंने 15 लाख या फिर उससे हाईएस्ट सीटीसी ऑफर किया हुआ है, तो 2014 में उनके नंबर्स 2 थे और अभी 2020 में 30, 2021 में 30 और 2022 में 50 प्लस ऐसे कंपनीज थे जिन्होंने 15 लाख से ऊपर का सीटीसी ऑफर किया हुआ था। यदि 2023 की बात करें एज ऑफ नाउ उससे हायर सीटीसी ऑफर किया है। अब यदि मैं 2014 से लेकर 2023 तक वैसे कंपनीज की बात करूं जिन्होंने 7 से लेकर 10 लाख तक का पैकेज ऑफर किया हुआ है, तो 2014 में उनके नंबर्स 3 थे और अब 2020 में उनके नंबर्स 48, 2021 में उनके नंबर 62 और 2022 में उनके नंबर्स 200 प्लस थे। एज ऑफ नाउ 2023 में उनके नंबर्स जिन्होंने 7 से लेकर 10 लाख के बीच का सीटीसी ऑफर किया हुआ था उनके नंबर्स 100 प्लस रहे हैं। अब यदि मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में वैसे कंपनीज की बात करूं जिन्होंने 5 से लेकर 6 लाख के बीच का सीटीसी ऑफर किया हुआ है, तो 2014 में उनके नंबर 12 थे और लास्ट थ्री ईयर्स यानी कि 2020, 21 और 22 में उनके नंबर्स रिस्पेक्टिवली 290 और 400 प्लस रहे हैं। 2023 में एज ऑफ नाउ 120 प्लस ऐसे कंपनीज विजिट कर चुके हैं जिन्होंने 5 से लेकर 6 लाख के बीच का सीटीसी ऑफर किया हुआ है। तो ये था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट स्टैट्स जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्लेम कर रहा है। अभी आपने देखा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने प्लेसमेंट स्टैट्स में क्या क्या क्लेम कर रहा है। जब मैंने इनके प्लेसमेंट स्टैट्स को डिटेल में एनालिसिस किया और लास्ट 2-3 ईयर्स के पास आउट स्टूडेंट्स को कनेक्ट किया और भी डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, तो मैंने इनके प्लेसमेंट स्टैट्स को 2-3 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले यदि मैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ब्रांच जैसे कि IT या फिर कंप्यूटर साइंस की प्लेसमेंट की बात करूँ, तो इन स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 80% का है। कोर ब्रांचेज के स्टूडेंट का प्लेसमेंट परसेंटेज जनरली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अप्रॉक्सीमेटली 60-70% का है। जब मैंने अपने डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट किया था इनके प्लेसमेंट्स की और इनके 2-3 ईयर्स के प्रीवियस पास आउट स्टूडेंट्स को भी कनेक्ट किया था, तो उन्होंने भी बताया था कि इनका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट का स्टैट्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहा है लास्ट 2-3 ईयर्स में। लेकिन यदि मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं सॉफ्टवेयर ब्रांचेज की यानी कि CSE या फिर IT ब्रांच की, तो यह एवरेज प्लेसमेंट CS और IT ब्रांच के लिए अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख का है। यदि मैं कंप्यूटर साइंस के ब्रांच की मीडियम सैलरी की बात करूं तो यह अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख है। तो यदि मैं कोर ब्रांचेज की बात करता हूँ तो उनका एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 3.5 लाख का और मीडियम सैलरी अराउंड 3 से लेकर 3.2 लाख के अप्रॉक्सीमेटली रहा है। तो ये था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट स्टैट्स। अब यदि मैं सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करूँ जैसे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन फैसिलिटीज, स्टूडेंट्स एक्सपोजर, प्लेसमेंट्स एंड फीस, तो मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को 8 रेट करता हूँ आउट ऑफ 10। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की क्वालिटी अच्छी है और उनका एवरेज टीचिंग एक्सपीरियंस भी 5 प्लस ईयर का है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एक्सपोजर भी अच्छा खासा मिल रहा है, स्टूडेंट्स और फैकल्टी का रेशियो भी अच्छा है। लेकिन मैं ट्रांसपेरेंसी की बात करूँ तो इनके जो प्लेसमेंट स्टैट्स हैं वो उतने ट्रांसपेरेंट नहीं है। ऊपर से इनका जो फीस जो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चार्ज कर रहे हैं और जो इनका प्लेसमेंट ऑफर कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है। ऊपर से
और भी कुछ ड्रॉबैक्स रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, जो कि आप कह लो तो आप एटमॉस्फेयर की बात कर लो, तो इन सभी को देखते हुए मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के दो पॉइंट्स काटे हैं। मैंने इस एपिसोड में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन यदि फिर भी आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर AICEE एग्जामिनेशन के ऊपर कोई भी क्वेरी है जिसका आंसर आपको मेरे इस वीडियो से नहीं मिला है, या फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी प्रोज और कॉन्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप किसी भी मेथड से कनेक्ट करके मुझसे अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, AICEE यानी कि ऑल इंडिया कम्बाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक मस्ट अप्लाई एग्जामिनेशन है। तो यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग या फिर किसी भी अदर प्रोग्राम में एडमिशन की सोच रहे हैं तो इस एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपके बहुत सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, ऑलमोस्ट 150 प्लस यूनिवर्सिटीज और 1200 प्लस कॉलेजेस इस एक सिंगल एग्जामिनेशन से कवर हो जाएंगे। इस 40 एपिसोड के रिव्यू सीरीज को कंप्लीट करने के बाद मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फर्स्ट ईयर से ही अपने आप को कैसे प्रिपेयर करोगे कि फाइनल ईयर में या फिर आपका जो लास्ट ईयर होता है, जिस समय कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए आपके कैंपसेस को आती है, तो उस समय आपको हाईएस्ट CTC ऑफर हो। आई रियली होप कि मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नोएडा में सिचुएटेड अमेठी यूनिवर्सिटी के रिव्यू वीडियो को लेकर। टिल देन आई रियली होप यू विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।